जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि BSNL एम्प्लॉय का और रिटायर एम्प्लॉय का मेडिकल बिल बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। यूनियन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। एक बार फिर BSNL EU ने इस मुद्दे को उठाया है और इस बार बहुत जोर शोर से उठाया है। तो चलिए दोस्तों, आखिर उस लेटर में क्या है, किस प्रकार की डिमांड की गई है, तो दोस्तों विस्तार से बताते हैं। There is delay in the payment of medical bill of the serving and retired BSNL employee. The medical bill of the retired employee is not paid from April 2019 onward. जी हाँ, आपको ये जानकारी दे दूं कि मेडिकल बिल जो है रिटायर्ड एम्प्लॉय का 2019 अप्रैल 2019 के बाद से नहीं मिला है। इसका अर्थ हुआ कि ये करीब ढाई साल से अभाव हो चुका है, लेकिन मेडिकल बिल अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। जबकि उसके रिस्पेक्ट में आप देखें, सांसद हुआ, नेता हुआ, उन लोगों का पेमेंट होने में कोई देरी नहीं होती है, लेकिन जब बात स्टाफ की आती है जो रात दिन मेहनत करता है, उनके पेमेंट की बात होती है, तो सरकार को क्या हो जा रहा है ये समझ से परे है। आखिर क्या एम्प्लॉय किस तरह से काम करेगा, वो बीमार पड़ जाता है तो उसके मेडिकल बिल की ज़रूरी होती है, लेकिन वो बिल भी नहीं दे पा रही है। द मेडिकल बिल ऑफ द सर्विंग एम्प्लॉय इज नॉट पेड फ्रॉम अप्रैल 2020। यदि हम बात करें जो वर्किंग एम्प्लॉय है उनके मेडिकल बिल की, तो अप्रैल 2020 से अभी तक नहीं मिला है, यानी डेढ़ साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मेडिकल बिल अभी तक उन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। ये एक सोचनीय विषय है, सरकार किस तरह अपने एम्प्लॉय का ध्यान रख रही है, कोई भी ध्यान नहीं है। आखिर इस सरकार से क्या उम्मीद किया जाए। दिस इशू हैज बीन राइज ए नंबर ऑफ टाइम्स विथ द CMD BSNL। इस इशू को CMD BSNL के साथ बहुत बार उठाया गया, लेकिन हर बार CMD कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। एवरी टाइम द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी इज बींग सोन एज द रीजन ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ बिल। हर बार CMD यही रीजन दे रहे हैं कि BSNL का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, इसलिए मेडिकल बिल नहीं पेमेंट कर रहा है, नहीं दे रहे हैं। ये अजीब सा तर्क है। जी हाँ, ये सोचनीय विषय है, ये एक अजीब सा तर्क है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये फाइनेंशियल कंडीशन आप करते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो BSNL एम्प्लॉय नहीं है, इसका जिम्मेदार तो आप खुद हैं। फिर यदि आप कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। BSNL EU has written two letter CMD BSNL today demand the immediate payment of all the pending medical bill. BSNL EU लगातार फिर आज इस मुद्दे को लेकर एक चिट्ठी जारी की है, CMD को लिखा है कि आप इस बिल को जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए। मुझे लगता है अगर यूनियन ये ना रहे, कोई भी यूनियन, तो शायद BSNL एम्प्लॉय को सैलरी भी ना दे। सरकार की जो सोच है उसके अनुसार हम अपना सैलरी लेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन ये हो रहा है, अजीब कंडीशन है। फिर भी हम मांग करते हैं, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग का मेडिकल बिल जल्द से जल्द पेमेंट हो। यदि ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर।